छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में हुई घटना में सगे भाई ने अपने छोटे भाई को पत्थर से हमला कर मौत की खाट उतार दिया। तहसील की पुलिस चौकी बड़ चिंचोली के अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा पर 18 नवंबर को लांघा निवासी रुपेश पिता मोहन खानवे 40 साल की लाश मिली थी। पुलिस इसे शुरुआत में सड़क दुर्घटना मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मामला हत्या का सामने आने पर पुलिस ने हथियारों की सरगर्मी से तलाश शुरू की। इसके पीछे हमने अपने जो इंटरनल सोर्सेस हैं और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हमने किया था, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिली थी और हमने थोड़ा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था, उससे हमको यहाँ तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुई है। वजह ये सामने आई है कि ये लोग आपस में, छोटा भाई था, शराब पी के घर वालों से विवाद करता था, गाली उतार करता था और घर वाले काफी से पुलिस को जांच में पता चला कि रुपेश शराब पीने का आदी था और अक्सर उसका घर में विवाद होता था। इस बात को गंभीरता से लेकर पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों के बयान दर्ज किए। बड़े भाई ईश्वर खानवे के बयान में संदेह होने पर गांव वालों से पूछताछ में बयान में फर्क सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने अपने ही छोटे भाई की हत्या के आरोप में बड़े भाई ईश्वर और उसके सगे साले तारेंद्र उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। 18 नवंबर को सुबह पुलिस को पांडुना को खबर मिली थी कि लांघा ग्राम के आगे सड़क किनारे रुपेश खानवे की लाश पड़ी हुई है। हम तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिससे लाश को देखने पर प्रतीत हुआ कि दुर्घटना ना होते हुए इसकी हत्या की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय को तत्काल सूचित किया गया। SP साहब स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित हुए और उन्होंने घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल टीम का गठन किया गया और जो आरोपी थे संभावित, उनके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। FSL और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीमों को तत्काल एक्टिव किया गया, साइबर सेल की मदद ली गई और हमने लगातार प्रयास किए गए। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और रुपेश की हत्या में शामिल सगे बड़े भाई ईश्वर और उसके सगे साले तारेंद्र उर्फ गोलू रेतवा निवासी नवल गांव थाना बिछुआ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि योजना के तहत ईश्वर के साले गोलू ने रुपेश को नरखेड़ महाराष्ट्र में शराब पिलाई, इसके बाद लौटते समय रास्ते में दोनों ने पत्थरों से हमला कर रुपेश को मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर ने बताया कि अक्सर रुपेश शराब के नशे में पिता और माँ के साथ दुर्व्यवहार कर अपमानित करता था, जिससे उन्हें लग रहा था कि किसी दिन वह घर के किसी न किसी की हत्या कर देगा। पुलिस के इस खुलासे के बाद क्षेत्र वासियों में सनसनी फैल गई है। छिंदवाड़ा पांडुना से BCN न्यूज के लिए जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट।